फ्रेंड्स, चेहरे की रंगत जैसी भी हो, काली हो, गोरी हो, जैसी भी हो, ये बेदाग ही अच्छी लगती है। लेकिन अगर इस पर दाग पड़ जाए तो इसके लिए आप सारी बात कुछ ना कुछ करते हैं, टोटके यूज करते हैं इसको साफ करने के लिए। जिस पर ये जाहिर होने वाले बुरे रंग के दाग जो है, दाग धब्बे जो है, जिनको झाइयाँ कहा जाता है, फ्रेकल्स कहा जाता है, अक्सर खवातीन में झाइयों की वजह जो है इनके जिस्म में मौजूद हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन में तब्दीली होता है। हमला खवातीन इसी वजह से इस बीमारी का भी शिकार हो जाती हैं। इसके अलावा तेज धूप में रहने वाले जो हैं उनके चेहरे पर ये जाहिर होती हैं। गर्म इलाकों में रहने वाली खवातीन जो हैं वो इस मर्ज में ज़्यादा नज़र आती हैं। कॉस्मेटिक अदवियात से होने वाली एलर्जी, गुस्सा, परेशानी वगैरह या गोलियों मेडिसिन वगैरह का इस्तेमाल भी जो है वो भी झाइयों की वजह बनता है। ये बीमारी मौरसी भी हो सकती है, यानी ये पेरेंट्स से भी मिल सकती है। अगर आपके पेरेंट्स यानी वालदा या बाप के हैं तो आपके भी ये हो सकती है। मिलाजमा की अलामत में चेहरे की रंगत या वो जिल्द की जाहरी साख्त में तब्दीली के अलावा मुतासर हिस्सों की रंगत का स्याह पड़ जाना भी होता है। ये स्याह बुरे धब्बे जो हैं चेहरे के दोनों जानब हो सकते हैं, यानी माथे, रुखसार, हों, नाक और होंठ के ऊपरी हिस्से पर ये जाहिर होते हैं। यूँ तो बाज़ार में आप दस्तियाब बहुत सारी क्रीमें जो हैं वो झाइयों के लिए इस्तेमाल करती हैं, लेकिन इस हवाले से कुदरती अज़ा को भी आप इनको भी यानी कामयाबी के काफ़ी हद तक कामयाब होते भी देखा गया। यानी अगर आप घरेलू टोटके भी इसके लिए यूज़ करती हैं वो उसमें भी आप कामयाब नज़र आती हैं कि आपके चेहरे पर ये झाइयों के निशान जो है वो कम हो जाते हैं। इसके लिए लीमू का रस जो है वो सबसे बेस्ट समझा जाता है और माहरीन के मुताबिक भी जो है कि अमराज जिल्द में लीमू का रस जो है वो ज़्यादा बेहतर है, इसका इस्तेमाल जो है इसको ज़्यादा बेहतर करा देते हैं। लीमू के रस में कुदरती तौर पर जिल्द पर जिल्द साफ करने के वाले अनासर इसमें मौजूद होते हैं, जो आहिस्तगी से असर दिखाते हैं, हुए इन दाग धब्बों को जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। इसके लिए आप सुबह और रात के औकात में टाइमिंग में आप लीमू के रस को उंगली के पोरों पर लगाकर दाग धब्बों पर लगाएं। जहाँ जहाँ झाइयाँ ज़्यादा हों वहाँ आप ज़्यादा रस लगा सकती हैं और 20 मिनट के बाद चेहरा जो है आप नीम गर्म पानी से धोएं। चंद रोज के इस्तेमाल से, बाकायदगी के रेगुलर इस्तेमाल से आप इसके चेहरे में जो है वो तब्दीली आएगी और आपको वाजह तौर पर अपने चेहरे में जो है वो फ़र्क नज़र आएगा। और फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप कोई टोटका रेमेडी यूज़ करती हैं इसके लिए तो हमारे साथ उसको जरूर शेयर कीजिएगा, अपने एक्सपीरियंस को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।